तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ब्लॉग में। और ये वीडियो आज हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो काफ़ी दिनों से हमसे पूछते हैं कि आपने लव मैरिज की है क्या। तो हम आपको बता देते हैं कि हमने लव मैरिज की है और आज हमारी लव मैरिज को 10 साल हो गए। और हमारी लव मैरिज कैसे शुरू हुई मैं इनसे ही पूछना चाहूँगा, कैसे शुरुआत हुई थी हमारी लव प्यार की। वो तो प्यार की एक बात पूछो तो कुछ तो परेशानियां थी। और कुछ परेशानियां क्या, वो तो परेशानियां ही परेशानियां थी। शुरुआत कैसे हुई, कैसे मिला मैं आपको? शुरुआत तो खैर ऐसी हुई, पर वो किराए से रहते थे हम, तो फिर वो मैंने भाई बनाया था, इमराज मतलब रिश्ता लगाया था। तो उन्होंने कमरा बताया आपका, तो फिर ये थोड़ी ना सोची थी कि लव मैरिज भी होगी। मतलब कि देखिए, ये मैं नानाखेड़ी निवास करता था और मेरा एक मकान था वो खाली पड़ा हुआ था। और ये एक बार मेरे पास किराए से कमरा लेने के लिए आई तो थोड़ी सी परेशान थी, और मुझसे परेशानी देखी नहीं जाती किसी भी महिला की। तो इनकी परेशानी दूर करने के लिए मैंने इनको एक अपना आगे का कमरा दे दिया था। परेशान तो तुम भी थे। देख लीजिए, इनका ऐसा कहना, परेशान तो हम भी थी। तो ये उस मकान में आ गई थी। हालांकि प्यार में यार तो कुछ नहीं था, बस अकेले इनको मैं अच्छा लगा। मैं आपको अच्छा क्यों लगा तुमको मैं नहीं लगी क्या? जी, देख लीजिए इनको, ये इनका ऐसा कहना। मतलब आप, मैं प्यार की शुरुआत तो ऐसी थी कि ये हमारे मकान में आई और मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं उस समय अकेला था और ये थोड़ी सी परेशान थी। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी बनाने जाती थी। कितने कितने टाइम तक पूरी बनाई आपने? ज्यादा तो नहीं कह रहा, 2-4 10 भी रह गई थी। कितना पैसा मिलता था? 200-250। 200-250 रुपये मिलते थे। रात भर पूड़ी बनाने जाती थी? वो तो और भी जाती थी, भाई रे उनके साथ में जाती थी मैं, रात 2-2 दिन भी हो जाते थे। देख लीजिए, ये पूड़ी बनाने जाती थी। और मतलब कह सकते हैं, पूड़ी बनाते बनाते एक दिन पूड़ी बना के आई मेरे पास और मुझसे कहने लगी कि आज तो बहुत थक गए हम। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या कहाँ गई थी? तो ये मुझसे कहने लगी कि पूड़ी बनाने गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। 200 रुपये में इन जैसा फेस अगर पूरी बनाने जाए तो मैं हलवाई बन जाता। आप विश्वास कीजिए, अगर इन जैसी पूरी बनाने वाली मेरे पास होती तो मैं हलवाई बन जाता। तो मैंने इनसे इससे कह क्या दी, मतलब मैंने है? उनसे कह दी हाँ कि चलिए जाइए, मत बनाइए पूरी, मेरा खाना बना दिए कहिए और मैं दूंगा आपको पैसे। जब हमारी थोड़ी सी बातचीत की शुरुआत हुई थी, और बस एक कह सकते हैं, एक हादसा कह सकते हैं, कि घर में थोड़ा सा क्लेश वगैरह होने लगा इनके और हम हो गए फ्री फंड में बदनाम। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों लव मैरिज करेंगे। आपने सोचा था कि लव मैरिज करेंगे? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। क्या इनके क्या 2 बच्चे हैं? मैं आपको बताऊं, मैं कोई बात छुपाता नहीं हूं, जो है रियलिटी आपको बता रहा हूं। 2 बच्चे हैं इनके, जो गांव से गांव रहते हैं, खिरिया रहते हैं। और समाज का थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि मैं साहू हूं और ये खुशबा हैं। तो वो क्या है कि उनकी शादी वगैरह में दिक्कत आ जाए, इसलिए वो खुशबई हैं और उनके दादी के पास रहती हैं या उनके पापा के पास रहती हैं। और बढ़िया है, देखिए अपनी अपनी सबकी मर्जी होती है। मैं भी यही नहीं चाहता हूँ कि इनके बच्चों को ज़बरदस्ती थोपा जाए या इनके बच्चे मेरे लिए थोपे जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो इनका बाकायदा बरकरार है, प्यार तो बरकरार है। आते हैं आपके पास मिलने हाँ, और सामान वगैरह दिलाती हैं आप? अभी क्या दिलाया आपने? लड़के को वो तो लेते ही रहते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, मोबाइल अभी एक वगैरह, 20,000 रुपये का मोबाइल दिलाया। ये चूड़ी लई है मैंने लड़की के देख लिए, लीजिए, चूड़ी लई है लड़की के लिए। और पायल अभी लड़की के लिए पायल सिलाई दिलाई थी। मशीन, सिलाई मशीन दिला के आई हाँ, है। और क्या। और कुछ ना कुछ मतलब देती रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरी रियलिटी कि मैं बहुत साफ सुथरा व्यक्ति हूँ, ना किसी से बैर है ना किसी से लड़ाई है। और अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना पसंद करता हूँ। इनके बच्चे हमेशा खुश रहें, मैं ऐसी सोच रखता हूँ। उनके लिए क्या चाहिए अगर मेरे पास है, क्यों मैंने कभी मना करी कभी कोई चीज़ की? नहीं, कभी कोई चीज़ की मना नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैं करता ही नहीं हूँ। क्योंकि इनके बच्चे, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत देश के बच्चे, अगर जिनके पास कुछ नहीं है, मैं अगर उनके लिए कुछ कर पाऊँ तो मैं ऐसा करूँ। मेरा जीवन आज भी देखिए, बहुत छोटे छोटे बच्चे मुझे मेरे पास आते हैं सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है अंकल जी
बहुत ही बेहतरीन है, मैं वाकई मेरा दिल आज भी बचपन का है। आप मुझे देख लीजिए, मेरी 45 साल उम्र तो होगी, क्यों भाई को लंबी दे रही हो यार, 45 में 20 घटा दीजिए, मेरी 25-26 साल का हूँ मैं अभी। मैं तो भैया 25 की हूँ, अरे 25 की नहीं 35, ये 35-36 की है, मैं 25 का, मैं 10 साल छोटा हूँ इनसे। झूठा खाए गजब कर रहा है, और लंबी मत दो तुम का यार, क्या बात कर रही है यार, मैं हकीकत में 10 साल छोटा हूँ इनसे, ये 10 साल मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन अब दिल लगा मेंढकी से तो परी क्या चीज है, वो वाली बात, दिल लगा मेंढक हाँ से परी का चीज है, वो वाली बात हो गई मेरे साथ, मेरा दिल लग गया है ये उम्र दराज औरत से, और आज मेरी हालत देख सकते हैं आप, कैसी हालत हो रही है मेरी, ये अलग ही दिखती हैं आपको, दिखती हैं क्या आप लोग, कहते भी हैं भाभी जी कहाँ हैं, भाभी जी कहाँ हैं, तो मैं भी कभी भी कह देता हूँ भाभी जी घर पे हैं, कि भाभी जी छत पे हैं, वो कौन सा नाटक आता है, भाभी जी घर पे हैं, कि भाभी जी छत पे हैं, जी देख लीजिए ये इस तरह प्यार है, आज हमारे 11 साल होने वाले हैं प्यार को, और ये स्टोरी इसलिए डाल रहा हूँ कि आज के दिन ही ये मेरे कमरे में आई थी, मतलब आज का दिन कौन सा दिन है, कौन सा महीने चल रहा है, मार्च, और आज कितनी तारीख है पता नहीं, आज मैं आपको तारीख बताता हूँ, ओ भागड़ी मैडम लंबा, ग्यारह तारीख है, 11 मार्च के दिन ये हमारे मकान में आई थी मेरा कमरा लेने के लिए, उसी दिन मुझे दिन का याद इसलिए है क्योंकि मैंने इनसे किराया मांगा था एडवांस, तो इन पे किराया था नहीं, क्योंकि ये ठनठन गोपाल थी आप कह सकते हैं, और आज भी ठनठन गोपाल ही हैं, क्योंकि इन पे किराया ही नहीं था, मैं तो इनका सामान वामान सब फेंकने ही वाला था बाहर 2-4 दिन के बाद, पर मैंने इन पर याद कर दी कि भैया कितने महीने किराया नहीं दिया था तुमने, कितने ही नहीं दिया हमने तो, देते हम तो, देख लीजिए ये इस तरह की बातें करना, जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इनने करीब 4-5 महीने मेरा किराया नहीं दिया, नहीं तो खबकड़ा है जी खबकड़ा, तुमने घर की साफ सफाई तो कराते, सफाई सफाई बस साफ सफाई में ही इनने मेरा किराया वसूल कर लिया, जबकि 1500 रुपये किराया लगता है, आप जानते हैं 1500 रुपये किराया लगता है, लेकिन इनने साफ सफाई में ही मेरा मकान को साफ कर दिया, आप देख लीजिए ये हमारे प्यार की शुरुआत हुई, और ये कब हुई 2014 में हमें प्यार हो गया था इनसे, विद्या जी से, और मेरी जीवन संगनी है, और मैं कह सकता हूँ कि मैं इनके साथ ही अगले 7 जन्म गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इन जैसी बीवी कभी नहीं मिलेगी, और मैं बहुत, आज भी देखिए 11 साल हो गए हैं, ये देखिए ये गले में हमेशा मेरे लटके रहती हैं, क्योंकि मैं इनसे अत्यधिक से प्यार करता हूँ, किसी को लगता हो चाहे ना लगता हो, 11 साल हो गए कभी झगड़ा हुआ है अपने बीच, नहीं 11 साल हो गए हमारे संग, हाँ हम मजाक में जरूर लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे संग रियलिटी झगड़ा आज तक नहीं हुआ है, कभी मैंने इन पे हाथ नहीं उठाया, क्यों कभी हाथ उठाया, कभी मैंने जीवन काल में इन पे हाथ नहीं उठाया, आज 11 साल हो गए, तो आप समझ सकते हैं, हालांकि इससे भी मेरी पहले कई शादी हो गई हैं, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा दिल का व्यक्ति हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके जीवन पे एक बीती बताइए कि आपने कैसी लव मैरिज की, कैसे क्या हुआ, और मैं कुछ और इनसे बात करने की कोशिश करूंगा, और सुनाइए अपने जीवन के बारे में, क्या सुनाए, जीवन तो जीवन है, तो तुम्हें प्यार करने के बाद पछतावा तो नहीं होता है, नहीं नहीं पछतावा तो नहीं होता है, अच्छे हो गए तुम, बढ़िया व्यक्ति हैं, और तो लोग कहते हैं कि और भाई मेरी बुराई करती है, अब पता नहीं है, अब शायद उनके संग में वो होगा धोखा, वो अपन तो कह नहीं सकते, मैं वैसे नहीं हूँ धोखेबाज, नहीं मेरे साथ में तो नहीं, कहने का मतलब ये है मैं बता सकता हूँ, मेरी पहली शादी भी हुई थी करीब करीब हमारे 14 साल तक जीवन साथी रहे थे, लेकिन वो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि मैं अपनी भी बता देता हूँ, मैं जुआ भी खेलता था और मैं सट्टा भी लगाता था, और इसके अलावा मैं नंबर एक का लफंगा, आप ये क्लियर कहता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये बात आप मेरी पहली बीवी से ही पूछ सकते हैं, जब आपको मिलेगी, अभी गुनई में रहती है वो, तो वो उससे भी पूछ सकते हैं आप कि मैं नंबर एक का सटोरिया, नंबर एक का जुआरी और नंबर एक का लफंगा, ये मेरी खासियत थी, इसीलिए हमारी बनी नहीं मेरी बीवी के साथ, और वो अलग रहने लगी, और वो अपने जीवन में खुश है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ रहती है,
मैं आप विश्वास कीजिए आज कितने हो गए, 13-14 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैंने उसको देखा नहीं है आज तक। अब तो मैं शायद उसे भूल भी गया होऊंगा कि वो कैसी दिखती है। 12 साल से मैंने गुनाह के गुनाह में 12 साल में मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो आप समझिए मैं कभी किसी को परेशान नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं बहुत साफ दिल का व्यक्ति हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खुश मत रहिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, जैसे बनता है वैसे रहिए और जो काम करता है कीजिए, आज़ादी है, क्यों कि मैं किसी को गुलाम बना के नहीं रखता। और उनके लिए कोई और मिल गया, मेरे लिए कोई और मिल गई। मैं तो साफ कहता हूँ, अगर आपके लिए मेरे भैया हैं तो मेरे लिए आपकी बहनें हैं। तो जीवन तो ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन हाँ एक बात है, मुझे एक बात का दुख है उनका कि वो ऐसा करके नहीं दिखा पाई जो मैंने करके दिखा दिया। आज दुनिया मुझे पहचानती है, आज दुनिया मेरी वीडियो को देखती है, आज दुनिया मेरे को पहचानती है, बच्चा बच्चा मेरा फैन है। मैंने ये करके दिखाया है अपनी काबिलियत की दम पर। और क्या कहती हैं, गर्व करती हैं क्या आप मुझ पर? बिल्कुल गर्व करती हैं ये मुझ पर। गर्व क्यों करेंगी, क्योंकि मैंने भले किसी को लगता हो, हम कहते हैं पूछते हैं यूट्यूबर बन जाएंगे क्या, ये बात मेरी ट्रेंड में चल रही है यूट्यूबर बन जाऊंगा क्या, तो ये मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूं कि मैं वाकई एक बड़ा यूट्यूबर बन के दिखाऊंगा जिसके मिलियन में सब्सक्राइबर होंगे, 2, 5, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे मेरे। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, भले ये यूट्यूब पर डालूंगा मैं वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो डालूंगा और मैं वाकई आपको साबित करके दिखाऊंगा कि वाकई मेरे 2, 5, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे और एक बड़ा मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा मैं। और अगर मैं यूट्यूबर नहीं बन पाया तो मैं आपको नेता बन के दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं बहुत कुछ मेहनत करता हूं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे जीवन पर ये पहला पार्ट डाल रहा हूं मैं आपको, ये पहला पार्ट इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि जीवन का बहुत लंबी प्रक्रिया है और एक ही पार्ट में उसको ख़त्म कर नहीं सकते। एक चीज़ और मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ अपने जीवन काल में, वो तो आप चढ़ाव की बात करें, मैंने 5 बार सुसाइड की है। क्यों, कितनी बार की? मेरे सामने से एक बार ही कही है, इनके सामने एक साल में मैंने क्या कीटनाशक की थी। अगली साल की बात बता रहे हैं, अगली साल कैसी हालत थी मेरी, अगली साल मैंने पूरी एक डिब्बी पी थी 100 ग्राम की कीटनाशक की और मेरी ऐसी हालत हो गई थी, अमीडिया में भर्ती था मैं, बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत हो गई थी मेरी, इतनी बुरी हालत थी कि मैं यहाँ से 4 कदम नहीं चल पाता था और मेरे पेट की आंतें गल गई थी, ऐसा मुझे डॉक्टर ने कहा था। और आप देख लीजिए आज एक साल बाद कोई पहचान के दिखा दी कि मैंने एक साल पहले सुसाइड की थी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, किसी को लगता होगा, मैं यंग जनरेशन से कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं 0 से शुरुआत करने की दम रखता हूँ, कभी डीमोटिवेट नहीं होता हूँ। आपको बताऊँ डीमोटिवेट इसलिए नहीं होता हूँ क्योंकि जो समय गुजर गया मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ, आने वाला कल अपना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, एकमात्र इंसान है जिसको दिमाग मिला है, जानवर को दिमाग नहीं मिला है, नहीं तो हाथी को दिमाग मिलता तो पूरे भारत पे कब्जा कर लेता, क्योंकि हाथी जैसा शक्तिशाली कोई है क्या, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। एकमात्र इंसान है जिसके पास दिमाग है, एकमात्र इंसान है जो चांद पे जाने की दम रखता है, एकमात्र इंसान है जो हवाई जहाज बनाने की दम रखता है, एकमात्र इंसान है जो कंप्यूटर बनाने की दम रखता है, और एकमात्र सुरेंद्र कुमार साहू है जो यूट्यूबर बनने की दम रखता है। तो जो यूट्यूबर बनते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है और मैं आपको यूट्यूबर बन के दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा ये ब्लॉग बनाया है मैंने, 15 मिनट का भले हो गया है लेकिन बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया है मैंने। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपका सपोर्ट करने के लिए। स्मार्ट लग रहा हूं तो कमेंट कर दीजिएगा, स्मार्ट लग रहा हूं, और अच्छा नहीं लग रहा हूं तो भी कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा हूं। और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं मैं मेरी बीवी से और हमेशा आई लव यू कहता रहूंगा। अगला पार्ट बहुत जल्दी आपको दूंगा, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, सपोर्ट करना मत भूलिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या सुरेंद्र ब्लॉग को, और फेसबुक पर सुरेंद्र कुमार साहू और इंस्टाग्राम पर भी विद्या सुरेंद्र ब्लॉग, ये मेरे 3 पेज हैं। वैसे होने को तो मौज पर भी हूँ, ट्विटर पर भी हूँ, जोत पर हूँ, टेलीग्राम पर हूँ, व्हाट्सअप हूँ, सब पर हूँ, 9 पेज चलाता हूँ, लेकिन जो मेन पार्ट है मेरे यूट्यूब पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वो ज़्यादा खास हैं क्योंकि वो मुझे पैसे देंगे, तो इसलिए 3 पेजों को सपोर्ट करिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए, राधे राधे सभी के लिए, जय श्री राम और थैंक यू।